हरियाणा में अब महापुरुषों के नाम पर भी सियासत तेज होने लगी है। फरीदाबाद में आयोजित होने वाले मिहिर भोज कार्यक्रम पर राजनीति शुरू हो गई। ये कार्यक्रम 8 अगस्त को होना है। वहीं आज क्षत्रिय समाज फरीदाबाद के द्वारा क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार और दिल्ली संस्थापक महाराजा अनंगपाल तोमर के क्षत्रिय होने के प्रमाण और विस्तृत जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता की गई। बता दें कि भारत के यशस्वी सम्राट रहे मिहिर भोज को गुर्जर समुदाय अपना पूर्वज मानता है। गुर्जर समुदाय के लोग ही इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज फरीदाबाद द्वारा आज प्रेस वार्ता कर प्रमाण पेश किए गए और कहा गया कि सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार और दिल्ली संस्थापक महाराजा अनंगपाल तोमर के क्षत्रिय हैं। आपको बता दें कि इस प्रेस वार्ता में क्षत्रिय समाज के कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहे। वहीं सूरजपल अम्मू भी मीडिया को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने प्रमाण पेश किए के साथ ही कल गुज्जर समाज द्वारा हुई प्रेस वार्ता में कहा गया था कि भारतीय सेना में जाट और राजपूत रेजिमेंट नहीं होना चाहिए। इसी पर निशाना साधते हुए अम्मू ने कहा कि भारतीय सेना पर टिप्पणी करने वालों पर तुरंत FIR होनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये देश के गौरव के साथ देश की सेना के साथ खिलवाड़ करने वाले देशद्रोही हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से सूरजपल अम्मू ने अवतार भड़ाना को भूमाफिया तक कह डाला। फरीदाबाद से मुकेश राजपूत की। श्री राजेश रावत साहब जो कि बल्लभगढ़ क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष भी हैं और फरीदाबाद के ये जो क्षत्रिय संघर्ष समिति है, इस समिति के बैनर के तले आज जो ये प्रेस वार्ता है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ इतना सा है कि आज क्षत्रिय समाज इसने ना कभी जाति, ना कभी प्रांत और ना कभी क्षेत्र किसी प्रकार के विवादों में ना पड़ के राष्ट्र को, धर्म को और न्याय को और सत्य को चुना, लेकिन आज उस विरासत पर चोट है। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा आदरणीय ऋषिपाल जी चौहान साहब से, एक छोटी सी प्रीति हमने बनाई है कि क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में आदरणीय चौहान साहब पीपीटी के माध्यम से आपको बताएंगे, जिसमें मेरे साथ हमारे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनके आप सभी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं भाई सूरजपाल जी अम्मू जी, साथ में बैठे हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय, बगल में है राजपूत सांस्कृतिक संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री नारायण सिंह जी शेखावत साहब, मुकेश राणा जी युवा है, मेरे गायनी और मेरे अग्रज आदरणीय ऋषिपाल जी चौहान साहब जीवा संस्थान के प्रमुख आदरणीय, एक बहुत अच्छी तरह से शोध में लगे हुए हैं वो मेरे साथ विराजमान थे, आदरणीय ठाकुर राजा राम सिंह जी जो इस क्षेत्र में सभी से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, आप भी उन्हें जानते हैं। अनेक क्षत्रिय संगठन के प्रमुख और महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद रहे, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जिस प्रकार से कल भारतीय सेना में राजपूत रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट के ऊपर टिप्पणी की गई, ऐसे टिप्पणी करने वालों के ऊपर तुरंत FIR हो, उनको गिरफ्तार किया जाए, देश के गौरव के साथ, देश की सेना के गौरव के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग देशभक्त नहीं हो सकते, वो देशद्रोही हैं। हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से सम्राट अनंगपाल सिंह तोमर द्वितीय के बारे में जानकारियां आप सब मित्रों को दी हैं। हमारा सीधा सीधा एक कहना है कि जो भूमाफिया लोग हैं, जो शीशपाल बढ़ाना है और उसके पीछे कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं अवतार भड़ाना, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, वो और उनके परिवार के लोग वहाँ पर जमीनों पे जिस प्रकार से उन्होंने फरीदाबाद के अंदर रहने को और एक जगह जमीनों पर कब्जा कर रखे हैं, ASI की जमीनों पर प्लॉट काटना चाहते हैं, भारत सरकार की जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं और वहाँ पर हमारे महापुरुष सम्राट अनंगपाल सिंह तोमर की प्रतिमा को लगाकर एक उसका भी कद छोटा करके, जिसका एक विराट स्वरूप उसको छोटा करके वो वहाँ पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी नियत में खोट है। वो लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर जातीय विष घोला जाए, क्योंकि इन लोगों की जो मानसिकता है वो राजहित में नहीं है। जी वो तो ये कह रहे हैं हमने मूर्ति लगा दी है, 8 तारीख को तो लंगर है बस। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कौन क्या करेगा प्रशासन देखेगा, लंगर कौन कौन कहाँ का करता है, कैसा करता है। लंगर कराने से अगर मूर्तियाँ स्थापित होती तो पता नहीं कौन कौन अब तक लंगर कराकर अपनी मूर्तियाँ स्थापित कर चुका होता। महापुरुषों का नाम उनकी जाति को बदलना गुनाह है। देश के अंदर अनेकों अनेक प्रकार की आपत्ति दर्ज करने के विषय हैं, अगर किसी को कोई आपत्ति है, हमने पूरे तथ्यों के आधार पर
हमने ऐतिहासिक किताबों के आधार पर आपके समक्ष सारी प्रस्तुति दे दी है, प्रेस नोट आपको दे रहे हैं, परंतु अगर हम लोग कहते हैं वो हमारे दाय माँ है, वो हमारे दाय माँ के बेटे हैं, हम गुजर राजपूत में फर्क नहीं समझते, हम कभी भी उनके विरोध में नहीं बोलते, परंतु कुछ तथाकथित भूमाफिया अगर वो चाहते हैं कि हम महापुरुषों का नाम लेकर शासकों का नाम लेकर जमीनों पर कब्जा करेंगे तो ये क्षत्रिय संघर्ष समिति ऐसा नहीं होने देगा। अमोजी आपने जेएनयू और इसका नाम भी लिया, वो उसका क्या है कहना? जेएनयू के अंदर कुछ कम्युनिस्ट लोग, कुछ देश विरोधी ताकतें जो हर बार, चाहे वो सीए का मुद्दा हो, चाहे वो अनेक ऐसे मुद्दे हो जो देश हित के हैं, वो नहीं चाहते देश का विकास हो।